नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा दो के बहुत हुआ कविता के नए शब्द और प्रश्नोत्तर देखेंगे। नए शब्द: बादल, भैया, कीचड़, याद, सारा, जुआ, फंसे, बोरियत, झेले, पिंजरा, मौन, सुआ, दादा, खिलना, ताल, सड़क, दुआ। प्रश्नोत्तर। प्रश्न एक: बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं, सोचो और लिखो। बादल, पानी, रिमझिम, बूंदे, कागज की नाव इत्यादि शब्द मन में आते हैं। प्रश्न दो: खूब तेज बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसा दिखाई देगा? खूब तेज बारिश होगी तो चारों ओर बारिश ही बारिश दिखाई देगी। इतनी तेज बारिश में लोग भीग रहे होंगे, गड्ढे पानी से भर जाएंगे, पेड़ पौधे हवा और बारिश के जोर से लहराएंगे। प्रश्न तीन: बारिश में कितना पानी बरसता है? वह सब पानी कहाँ कहाँ जाता होगा? बारिश में एक दिन में लगभग 25 सेंटीमीटर तक करीब पानी बरसता है। वह पानी नदी, नालों, खेतों आदि में चला जाता है। प्रश्न चार: बच्चे किसे बारिश रोकने कहते हैं? बच्चे बादल को बारिश रोकने कहते हैं। प्रश्न पाँच: बारिश होने पर क्या होता है? बारिश होने पर हर जगह पानी पानी और कीचड़ होता है। प्रश्न छः: बच्चे बादल को क्या पूछ रहे हैं? बच्चे बादल को हम कहाँ जाए, कहाँ खेले पूछ रहे हैं। प्रश्न सात: बच्चों को घर में क्या झेलना पड़ा? बच्चों को घर में बोरियत झेलना पड़ा। प्रश्न आठ: बच्चे धूप खिलाने किसे कहते हैं? बच्चे धूप खिलाने सूरज दादा से कहते हैं।